नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ और कानूनविद फली एस नरीमन का आज सुबह 95 साल की उम्र में निधन हो गया। करीब 75 साल तक उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की थी और इस दौरान कई बड़े मामलों में भी वो पेश हुए थे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर थे, लेकिन इमरजेंसी लगाए जाने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा था कि वो सेक्युलर भारत में पले बढ़े और ऊपर वाले की कृपा से वो उसी सेक्युलर भारत में ही अंतिम सांस भी लेना चाहेंगे। संवैधानिक मामलों के दिग्गज वकील फली एस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने 70 साल से भी ज़्यादा के वकालत के करियर में कई बड़े और महत्वपूर्ण मामलों में वकालत की। इनमें जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए NJAC का मामला, AOR एसोसिएशन का मामला, TMA-5 मामला जैसे तमाम बड़े केस शामिल हैं। नरीमन को मई 1972 में भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी की तरफ से जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई उसके विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और 50 सालों से प्रैक्टिस करने वाले ML लाहौटी बताते हैं कि फली एस नरीमन मौजूदा समय में सबसे बड़े कानूनी विशेषज्ञ और संविधानविद थे। सोली सोराबजी और फली एस नरीमन के बाद ही किसी और का नाम लिया जाता है। फली के बेटे रोहिंटन नरीमन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होकर रिटायर भी हो चुके हैं। फली के बारे में लाहौटी बताते हैं कि फली नरीमन सुनवाई के दौरान एक तरीके से समा बांध देते थे। वो हमेशा से इस बात के हिमायती रहे कि जुडिशियरी की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, साथ ही सिविल लिबर्टी और सेक्युलरिज्म को भी वो हमेशा तरजीह देते थे। वो कभी किसी के दबाव में नहीं रहते थे। बहुत बड़े वकील होने के साथ साथ वो बेहतरीन इंसान भी थे। उनकी फीस भी तय थी, साथ ही उनकी सोच भी बेहद सुलझी हुई थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी बिफोर मेमोरी फेड्स काफ़ी पढ़ी भी गई थी। फली एस नरीमन ने 1950 में बॉम्बे हाईकोर्ट से अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया था, फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। उन्हें भारत सरकार ने 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें 1999 से 2005 के बीच राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये थी देश के पूर्व ASG और कानूनविद फली एस नरीमन से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।